ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान, परंपरा को कायम रखते हुए झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार, तो अपने डॉक्टर बनने का सपना पूरा करें बायोम के साथ। बायोम की नू और नगड़ा टोली रांची। एनडीए में फिर से नीतीश कुमार के शामिल होने की खबरों को लेकर अब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हमलावर हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एनडीए में जाने की खबर को चलाकर उनकी छवि को खराब करने का आरोप लगाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीजेपी के इशारे पर ऐसी खबरें चल रही हैं और बीजेपी सत्ता से बाहर होकर छटपटा रही है। बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बिहार में सियासी पारा हाई हो चला है। सियासी गलियारे में सीएम नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने की सुगबुगाहट पर सूबे के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि ये बीजेपी की सोची समझी साजिश है। साथ ही उन्होंने मीडिया पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि मीडिया का खास वर्ग भी इसमें शामिल है। ऐसे में नीतीश कुमार की छवि को धूमिल करने के लिए दुष्प्रचार किया जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि सत्ता में काबिज लोग जो दंगा फसाद कराते हैं उन्हें हटाने का वे काम करेंगे। आप एक बात स्पष्ट समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीजें आ रही हैं तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही हैं लेकिन देश भर में लोगों को एक करेंगे, उसमें हम लोग सफलता पाई। और हम लोगों की इच्छा यही है जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करना है। इसलिए हम लोग एक हुए हैं और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, दबाव बना रहे हैं कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए, अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता। सारा अलायंस पार्टनर भाग गया, दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया, तो बचा कौन है? सवाल है सर कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसी हुई है, कांग्रेस नाराज चल रही है। कहाँ बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाएगा। वहीं नीतीश कुमार ने एनडीए में शामिल होने की बात को बेबुनियाद बताया है। क्या कि आपका लगाव एनडीए के तरफ आ रहा है? क्या फालतू बात छोड़िए ना भाई, इसको क्या चर्चा करते रहना है? आप जान रहे हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, आप कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, आप कितना बड़ा काम हो रहा है, आप कौन क्या करता रहता है, उसको क्या नजर है। साथ ही उन्होंने स्पेशल कैबिनेट मीटिंग की अटकलों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई स्पेशल कैबिनेट की बैठक नहीं थी। तेजस्वी मंगलवार को बाहर जा रहे हैं इसलिए सोमवार को कैबिनेट की बैठक बुला ली क्योंकि उनका रहना भी जरूरी है। दरअसल तेजस्वी यादव के साथ सीएम नीतीश कुमार पंडित दीनदयाल जयंती समारोह में पहुंचे थे जहां पत्रकारों ने उनसे स्पेशल कैबिनेट मीटिंग को लेकर सवाल किए, जिसके जवाब में नीतीश ने बताया कि कोई स्पेशल मीटिंग नहीं बल्कि रूटीन बैठक है। नहीं यार, बात कैबिनेट तो हम करते हैं मंगल, लेकिन मेरा सीएम पे चेहरे को बाहर जाना था, हम क्या कि ना तू रहो, तो इसी के सुविधा के लिए हम आज कर दिए। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ
संघर्ष की दास्तान।